ये देखें जी, स्टील की कटिंग चल रही है और स्टील की कटिंग के बाद ये सारी स्टील फैब्रिकेशन हो जाएगी। सरिये को काट के ऊपर लेके जाया जा रहा है और शुरू कर दिया गया। ये छत के लिए इलेक्ट्रिशियन का सामान आ चुका है। ये सारी इलेक्ट्रिक पाइपिंग जो छत में होगी ये सारी आ चुकी है जीएम की। जी जीएम यूज़ कर रहे हैं छत के अंदर, आप देख सकते हैं। सीढ़ियों को फिल किया जा रहा है, जैसे कि आपको पहले बताया गया था पिछले वीडियोस में कि सीढ़ियों को पहले भर लिया जाएगा ताकि हमें छत के टाइम पे ऊपर जाने में आसानी हो जाए। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं स्टेयर के इसको पहले कंप्लीट कर लिया गया। कितने प्रिसाइजली इसको कंप्लीट किया गया ताकि हम स्टेयर केस को यूज़ करते हुए अब ऊपर जा सके। ये देखें जी, स्टेयर केस हमारी ओपन हो चुकी है, रेडी है स्टेयर केस ऊपर जाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखें जी, ऊपर सारी स्टील फैब्रिकेशन कंप्लीट है। देख सकते हैं कितना एग्जैक्ट वर्क किया गया है। ये आप देख सकते हैं जी, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग स्टील वर्क पूरा कर लिया गया और जो इलेक्ट्रिफिकेशन पाइपिंग है वो भी कंप्लीट कर ली गई है। जहाँ जहाँ बीम्स आने थे बीम्स डन कर लिए गए हैं, कंप्लीट कर लिए गए हैं। और दो तीन बातें मैं आपको इसमें और ऐड करता चलूं कि आप इसके अंदर स्पेसर्स यूज़ किए जाएंगे जो कि हमारे इसकी स्पेसिंग करके स्टील को थोड़ा सा तकरीबन 1 इंच एंड 1.5 इंच ऊपर ले आएंगे। और दूसरी चीज़ के हम इसके साथ नीचे ये यूज़ करते हैं शॉपर। इस पूरी छत पे स्लैब पे हमने थ्रू आउट स्टील जो है वो FF स्टील यूज़ की है। इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन बहुत अच्छा स्टील चल रहा है, FF स्टील को यूज़ किया गया। आपको इस पे दिखा भी देते हैं, ये सारा FF स्टील यूज़ किया गया और 60 ग्रेड स्टील है ये, जिसकी स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा है और बेहतर है बाकियों से। इलेक्ट्रिफिकेशन पाइपिंग और जो इलेक्ट्रिफिकेशन कंड्यूट हैं सारे जीएम के यूज़ किए गए हैं थ्रू आउट जो हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये ऊपर के स्टेयर केस के लिए ऑलरेडी हमने सरियों को काट दिया है ताकि इसके साथ ही हमारी स्टेयर केस ऊपर चली जाए। स्टेयर्स बनाने का ये मकसद होता है, ये फ़ायदा होता है कि हम इसको इजीली यूटिलाइज करके छत के ऊपर आ सकते हैं और नीचे जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मशीन रेडी है और लेंटर शुरू कर दिया गया। RCC लेंटर है जी ये। RCC लेंटर का मतलब ये होता है कि ये पूरा स्टील और कंक्रीट का लेंटर होगा, इसके अंदर ईंट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। RB लेंटर के अंदर ईंट का इस्तेमाल किया जाता है। देख सकते हैं कि बीम्स को किस तरह ओवरलैप किया गया।
अपनी स्लैब के दौरान जब भी आप लेंटर डालें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आपने स्पेसेस दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर स्पेसर दिया हुआ है। ये स्पेसर का मकसद ये होता है कि आपका सरिया जो है वो आपकी छत से एटलीस्ट कोई एक इंच ऊपर रहे। जब वो एक इंच ऊपर रहेगा तो स्लैब जो है वो आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और आपको सरिया नीचे से कभी भी नज़र नहीं आएगा। अक्सर इस तरह होता है कि जब भी कंक्रीट डाल रहे होते हैं और आपका अगर स्पेसर इसमें नहीं है तो आपका सरिया इसके साथ लग जाएगा, उस पर वेट आएगा और जब भी नीचे से स्लैब खोलेंगे तो आपको सरिया नीचे से नज़र आएगा, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है और ग़लत होता है और उससे आपकी स्ट्रेंथ भी वीक होती है आपके लेंटर की। स्लैब के अंदर आप हमेशा ख्याल रखें कि जो बीम्स हैं वो प्रॉपरली ओवरलैप हुए हों ताकि वो एक जान हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्लैब के अंदर ये बीम, ये नेक्स्ट बीम, उससे अगला बीम, ये सारे ओवरलैप हैं। ओवरलैप होने से पूरे बीम जो हैं वो एक जान हो जाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। इसके अंदर कोताही ना किया करें, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। व्यूअर्स, अपनी लेंटर के दौरान, स्लैब के दौरान आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो स्टील फैब्रिकेशन है, जो आपका रेडी हुआ हुआ है स्टील, वो आपका मर्ज हुआ हो, ओवरलैप हुआ हो आपके बीम के साथ। जिस तरह आप ये देख रहे हैं ये सारा इसके अंदर से स्टील क्रॉस हो रहा है और एंड यहाँ पे हो रहा है, इसके अंदर सारी बार इसके साथ साथ अंदर बाहर निकली हुई है। इसी तरह ये आप देखिएगा कि सारी जितनी भी स्टील बार्स हैं वो इसके अंदर बीम के अंदर गई हुई हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें ताकि आपको आपकी लेंटर की स्ट्रेंथ कंप्लीट आए। ये आप देख सकते हैं जी, गैराज की जो स्लैब है, लेंटर है, उसके अंदर कंक्रीट पोरिंग की जा रही है। इसमें मैं एक चीज़ आपको वाजिया कर दूं कि ये जो गैराज है इसकी हाइट दूसरे लेंटर से, जो कि बाकी सारा लेंटर है, उससे डाउन होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर स्पेसेस छोड़ के ईंटों के दरमियान, तो उसके अंदर लेंटर के कुछ सरियों को उसके अंदर करके और उसको कंप्लीट कर देते हैं। व्यूअर्स, इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको मैं गाइड कर दूं, जो गैराज की हाइट होती है वो आपके बाकी लेंटर की हाइट से कम होती है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि गैराज की जो हाइट है उसको आप उसकी लेंटर को कंप्लीट करने के बाद उसकी हाइट पूरी करें। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि ये जो बीच में गैप है इसको या तो एक एक ईंट छोड़ के फिल करते हैं, या फिर आपकी जो 9 की दीवार है उसको 4.5 की दीवार लगाकर, तो उसके अंदर एक गैप छोड़ के उसके अंदर फिल कर लेते हैं आपकी स्लैब को। इससे नुकसान होगा, इससे आपकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है स्लैब की वो पूरी नहीं आएगी। प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जो आपकी गैराज है उसको पहले कंप्लीट करें, इसको टाइम देके। ये जो ईंटें रखी गई हैं ये इसके ऊपर लगाने के लिए रखी गई हैं ताकि इसको दोबारा कंप्लीट किया जाए, मशीन को रोका जाए, बाद में फिर दूसरी स्लैब पूरी को शुरू किया जाए। व्यूअर्स, ये देखिएगा, ये इसका ब्रेकवर्क कंप्लीट किया जा रहा है। ये गैराज की क्योंकि स्लैब डाउन होती है तो पहले ये स्लैब डाली जाती है, उसके ऊपर फिर ये ब्रिक वर्क कंप्लीट किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अवॉइड किया करें कि इसके अंदर कोई होल छोड़ के आप कंप्लीट कर दें स्लैब, या क्योंकि ये 9 की दीवार लग रही है, 9 इंचीज की जो ब्रिक वर्क हो रहा है, तो आप 4.5 इंचीज़ के ऊपर दीवार करके उसके अंदर आप ये कर लें, ऐसे मामलात को अवॉइड करें। आपकी स्ट्रेंथ जो होती है स्लैब की वो वीक होती है। थैंक यू।